नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अंकट। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे क्या एक हैं या अनेक हैं? ये एक बड़ा वाजिब सवाल है। वाजिब सवाल इसलिए है क्योंकि बीजेपी विपक्षी राज्यों के अंदर, विपक्षी शासित राज्यों में एकनाथ शिंदों की तलाश में लगी हुई है। सीधा सा फॉर्मूला निकल गया है कि दो तिहाई लाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। कुल मिलाकर तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़ बीजेपी के निशाने पर है, ऐसा कहा जा रहा है। कुलदीप बिश्नोई देखिए मोटे तौर पर बीजेपी में कब चले जाएं, कुछ तय नहीं। गोवा के अंदर बीजेपी की अपनी सरकार है, 40 में से 20 जीते थे, बाकी उनको निर्दलीय समर्थन कर रहे हैं। 25-1 का उनके पास छोटी पार्टियों के साथ मिलकर है। और कोई कांग्रेस में 11 जीते थे, कांग्रेस में तोड़फोड़ की कतई कोई जरूरत नहीं है, 5 साल तक आराम से ये सरकार चलेगी। लेकिन बीजेपी तो शायद 5 साल से आगे का सोच रही है। तो 11 में से 6 ऐसा लग रहा है कि टूट चुके हैं, दो तिहाई के लिए, यानी एकनाथ शिंदे वाले फॉर्मूले के हिसाब से 8 चाहिए। अब इसमें माइकल लोबो भी हैं और दिगंबर कामत भी हैं। दिगंबर कामत पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, माइकल लोबो एक वक्त में होटल के अंदर बहुत बर्तन साफ करने का काम करते थे, अब कई होटलों के मालिक हैं। वैसे 40 की विधानसभा है गोवा की, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, ADR की एक आंकड़ा आया था कि 40 विधायक जो पिछली विधानसभा में थे उसमें से औसत रूप से एक एक विधायक 4 या 5 बार पार्टियां बदल चुका था। कई तो मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो बीजेपी के भी रह गए, दूसरे पार्टियों के भी रह गए, कांग्रेस के भी रह गए और फिर दूसरी पार्टी में चले गए। तो बीजेपी आखिर क्या हासिल करना चाहती है गोवा में, यह मैंने आपको बताया। इसी तरह बात की जाए छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है। दो ही राज्य हैं जहां कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में अशोक गहलोत हैं और राजस्थान में सचिन पायलट ने पिछले साल बगावत की थी, लेकिन दो तिहाई नहीं जुटा पाए, 19-20 जुटा पाए और वापस उनको पार्टी में आना पड़ा। और बीजेपी ने भी ज़्यादा साथ नहीं दिया कि भाई नंबर नहीं है, जब नंबर नहीं है तो फिर क्या करें। एक शेर है कि अल्लामा इकबाल का शायद है, या इकबाल का शेर है, अकबर इलाहाबादी का शायद शेर है कि जमहूरियत वो तर्जे हुकूमत है जहां, जमहूरियत यानी लोकतंत्र, जमहूरियत वो तर्जे हुकूमत है जहां बंदों को तोला नहीं जाता, गिना जाता है। तो बंदे गिने जा रहे हैं, बीजेपी बंदे गिन रही है। छत्तीसगढ़ में 68 हैं 90 में से कांग्रेस के साथ, तो करीब 45 चाहिए। अब 45 बहुत बड़ी संख्या होती है, लेकिन एक कोयला व्यवसायी जिन पर इनकम टैक्स के छापे पड़े, सूर्यकांत तिवारी, उन्होंने आरोप लगाया कि जो जांच एजेंसियों के लोग लगातार दबाव डालते रहे कि ऐसे कुछ 40-45 कांग्रेस विधायकों के नाम बताओ जिनका कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है मामला, जिनको हम जांच एजेंसियों का डर दिखाकर एकनाथ शिंदे बनाने के लिए मजबूर करें, या आप खुद एकनाथ शिंदे बन जाओ और इन 40-45 को ले आओ, मुख्यमंत्री बना देगी बीजेपी। ये आरोप सूर्यकांत तिवारी लगा रहे हैं। कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है कहना मुश्किल है, लेकिन कम से कम इससे ये तो है कि भूपेश बघेल चैन की नींद नहीं ले रहे होंगे, चैन की सांस नहीं ले पा रहे होंगे और थोड़ा उनको लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। राजस्थान में भी अशोक गहलोत ने बाद में स्वीकारा कि रात को नींद नहीं आती थी, अब चली जाएगी सरकार, तब चली जाएगी सरकार। वो बात तब है जब राजस्थान में कांग्रेस के 200 में से 101 खुद के विधायक थे, 12-13 निर्दलियों का समर्थन था, 6 जो बहुजन समाज पार्टी के विधायकों का समर्थन था, यानी 122-123 थे 200 में से, फिर भी अशोक गहलोत कह रहे थे। और कांग्रेस के 100 में से करीब 80 विधायक तो अशोक गहलोत के कारण जीतते रहे हैं, उसके बावजूद उनको सरकार जाने का डर सता रहा था कि अब गई तब गई, कब गई जब गई। तो जब गहलोत को सता सकता है तो भूपेश बघेल को क्यों नहीं सता सकता, या फिर झारखंड में हेमंत सोरेन को क्यों नहीं सता सकता? उन पर तो 3-3 मामले हैं, कोयला खान आवंटन का एक मामला है, फिर पद के दुरुपयोग में उन डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, ऐसा चुनाव आयोग को पर्चियां दी गई हैं, जांच एजेंसियां अलग उनके खिलाफ काम कर रही है। अब स्थिति यह है कि हेमंत सोरेन ने कह रहे हैं कि साहब राष्ट्रपति चुनाव के लिए चूंकि झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं तो द्रौपदी मुर्मू और आदिवासी हैं और झारखंड पूरा आदिवासी इलाका है तो वो समर्थन कर सकते हैं। ये भी एक मजबूरी कहा जा रहा है, या फिर बीजेपी को खुश करने के लिए हेमंत सोरेन ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि तर्क ये दिया जा रहा है कि 2012 के अंदर जब कांग्रेस की तरफ से प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे और NDA की तरफ से जब
पी एस संगमा उम्मीदवार थे, जो भी मेघालय के आदिवासी नेता लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके, तब तो उनको आदिवासी प्रधान राष्ट्रपति का ख्याल नहीं आया था। हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा को तब क्यों वो चले गए थे प्रणब मुखर्जी के साथ। तो ऐसे में साफ तौर पर है कि हेमंत सोरेन की भी छुट्टी कर दी जाए, ऐसा कुछ बीजेपी प्लानिंग में लगी हुई है। आपको ध्यान होगा पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जब पार्टी छोड़ कर गए थे और पार्टी को डुबो गए थे मध्य प्रदेश में, तब भी आरोप लगा था कि अब मध्य प्रदेश तब झारखंड की बारी है और झारखंड में वो अपने लोगों के माध्यम से ये ऑपरेशन कर रहे थे, प्रभारी थे वो कांग्रेस के झारखंड के, लेकिन अपनी तरफ से कुछ ऑपरेशन कर रहे थे कि कैसे ये सरकार गिराई जा सके और कैसे वहाँ पर बीजेपी की सरकार बनाई जा सके। अब ये बात भी सत्ता के गलियारों में होती रही है, लेकिन मोटे तौर पर कहानी इस रूप में अब सामने आ रही है कि हेमंत सोरेन के यहाँ भी यानी झारखंड में भी एकनाथ शिंदे की तलाश तेजी से शुरू हो गई है। एकनाथ शिंदे की तलाश तो तेलंगाना में भी हो रही है। आप जानते हैं कि KCR चंद्रशेखर राव TRS पार्टी के और प्रधानमंत्री मोदी के बीच संबंध बड़े कड़वे हैं। अभी मोदी जी का हैदराबाद आना हुआ था तो हवाई अड्डे पर वो लेने भी नहीं पहुंचे थे, जबकि उससे पहले यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार आए तो मंत्रिमंडल के साथियों के साथ मौजूद थे। फिर उन्होंने भी बहुत आरोप लगाए मोदी जी पर, मोदी जी ने भी आरोप लगाए उन पर, पार्टी ने भी आरोप लगाए। अब पार्टी के नेता का कहना है कि तेलंगाना में एकनाथ शिंदे का तलाश भी की जा रही है, बहुत से जो तेलंगाना के विधायक हमारे पक्ष में हैं, हमारे साथ हैं, हमारे साथ आ सकते हैं, तो वहाँ भी सरकार कुछ दिनों की बची। एक तरफ बीजेपी कहती है कि कांग्रेस का परिवारवाद खत्म होना चाहिए, परिवारवाद देश की राजनीति के लिए ठीक नहीं है, क्षेत्रीय दलों का परिवारवाद है वो खत्म होना चाहिए। दूसरी तरफ जो परिवारवाद की पार्टियां चलाने वाले लोग हैं उनको या तो आप अपने में शामिल कर रहे हैं जैसे कुलदीप बिश्नोई हो गए, या फिर वो लोग ऐसे हैं कि जिनका आप इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनको गिरा दिया जाए और अपनी सरकार बना दी जाए। तो ये क्या उद्देश्य होगा, क्या मकसद है, या बीजेपी ने ठान लिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में, पूरे देश के सभी राज्यों में, करीब करीब सभी राज्यों में, जहां जैसे ममता बनर्जी वाला मुश्किल है, नवीन पटनायक की यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो साथ ही हैं, साथ देते रहे हैं, और बाकी जगह पूरी जगह जगनमोहन रेड्डी भी साथ देते रहे हैं, लेफ्ट को हिलाना बड़ा मुश्किल है केरल में, लेकिन बाकी जगह जो वनरेबल स्टेट्स हैं जहाँ पर सेंध मारी जा सकती है, मारी जा सकती है, वहाँ सेंध इतनी मारी जाए कि दीवार पर सुराख नहीं पूरा का पूरा दीवार ही गिरा दी जाए और फिर एक भगवा दीवार खड़ी कर दी जाए और उस पर झंडा थामे कौन बैठा हो, वहाँ का एकनाथ शिंदे, जैसे महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे, वैसे झारखंड का एकनाथ शिंदे, वैसे तेलंगाना का एकनाथ शिंदे, और वैसे ही किसी दूसरे राज्य का या छत्तीसगढ़ का या फिर राजस्थान में भी एक अटेम्प्ट और किया जा सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि निकम्मा निकम्मा जिस ढंग से अशोक गहलोत बार बार बोलते रहे, फिर उसको परिभाषित भी करते रहे, उसको जायज भी ठहराते रहे, उससे बड़े आहत हैं सचिन पायलट। कुछ लोग कह रहे हैं कि अंत में सचिन पायलट क्या करेंगे, इतना मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई गालिब का शेर है, तो यहाँ कहेंगे मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गया कांग्रेस छोड़ देना और बीजेपी में जाना। क्या सचिन पायलट ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, या बीजेपी कितना हवा दे सकती है, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। तो राजस्थान के भी एकनाथ शिंदे क्या सचिन पायलट हो सकते हैं, राजनीति है कुछ भी हो सकता है। पहले होता था कि 10, 11, 12, 13, 18, चलो इतने इससे ज़्यादा मार बढ़ती नहीं थी, कर्नाटक में भी इतना ही हुआ था, मध्य प्रदेश में भी ऑपरेशन लोटस में इतना हुआ था, गुजरात में भी कांग्रेस 78 लाई थी, अब 63 हैं, 15 गए उनके छोड़कर, लेकिन 40 एक साथ, वो भी शिवसेना जैसी हिंदुत्ववादी पार्टी जो कैडर बेस्ड पार्टी है उसके विधायक अगर छोड़ देते हैं और एकनाथ शिंदे 40 को साथ ले जा सकते हैं, तो अन्य राज्यों में भी क्यों ऐसा नहीं किया जा सकता। शुक्रिया आप सब, बहुत बहुत शुक्रिया, सोचिएगा इसको, सोचिएगा।